है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो होता है वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा सेल के अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और एक्सोसाइटोसिस क्या होगा, इसमें क्या होगा, सेल से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ट्रांसपोर्ट होगा, और एंडोसाइटोसिस में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। जो एंडोसाइटोसिस होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है फेगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में सेल की ईटिंग की यानी कि खाने की प्रोसेस होगी, और पिनोसाइटोसिस में सेल की पीने की प्रोसेस होगी। फेगोसाइटोसिस का डायग्राम, इसे हम पहले डायग्राम से समझेंगे फिर रिटर्न नोट्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है, जैसे ही फूड पार्टिकल आया यानी कि खाने की प्रोसेस हो रही थी तो फूड पार्टिकल आया, वैसे सेल मेम्ब्रेन ने इसके बाहर से इसको घेरना शुरू किया। फिर घेरते घेरते इसने वैक्यूल की फॉर्मेशन की, फिर वैक्यूल के साथ में ये देखिए लाइसोजाइम यहाँ पे जुड़ गए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे फूड का डाइजेशन होगा, और जितना भी फिर एक्स्ट्रा जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाएगा वो सेल से बाहर वॉमिट कर दिया जाएगा। और ये सेल से बाहर जाने की प्रोसेस ही क्या थी, एंडोसाइटोसिस थी, राइट। फिर आता है पाइनोसाइटोसिस, पहले हम इसे रिटर्न नोट्स के साथ देख लेते हैं एक बार। साइटोसिस में सेल के खाने की प्रोसेस हो रही थी, लार्ज लार्ज पार्टिकल सेल के अंदर लिए जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इन्वेजिनेट होती है, वैक्यूल के फॉर्मेशन करती है, फिर ये वैक्यूल लाइसोजाइम के साथ जुड़ जाएगा, फिर क्या होगा, रिलीज कंटेंट, जो कंटेंट्स बचेंगे यानी कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल होगा वो आउटसाइड द सेल यहाँ पे वॉमिट कर दिया जाएगा। पाइनोसाइटोसिस, इसमें सेल के पीने की प्रोसेस होगी, यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फूड जो फ्लूड प्रेजेंट होगा सेल के बाहर से उसे ये पीने का काम करेगा। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा फ्लूड प्रेजेंट है, ये सेल के अंदर जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई, इसने वाइस वेसिकल बनाया और इसने अंदर ले लिया, ठीक है। तो ये होगा पाइनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास सेल होगा जिससे बाहर की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, वो होगा हमारा एक्सोसाइटोसिस। इसको हम सेल की वॉमिटिंग भी बोलते हैं क्योंकि बाहर छोड़ रहे तो लाइक एन उल्टी कर रहे हैं, सो ये सेल की वॉमिटिंग होगी। कौन कौन से पार्टिकल्स को ये बाहर वॉमिट करे यानी कि छोड़ेगा, तो वो कुछ अनडाइजेस्टिव मटेरियल्स भी हो सकता है, एंजाइम्स भी हो सकता है, हार्मोन्स भी हो सकता है, और ये है इसका डायग्राम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।